हेलो ट्रेडर्स, आज वेडनेसडे है और आज डेट हो गई है 12 तारीख। तो आज के दिन में मैं आपको गोल्ड की जो ताज़ा अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा कि गोल्ड जो है उसकी मूवमेंट क्या हो सकती है। उससे पहले आप ट्रेडर्स ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए, आपको एनालिसिस मिले, आपको वीकली फोरकास्ट भी मिले। तो चलिए अब मैं आपको सबसे पहले DXY की बारे में बताता हूँ। DXY की अगर हम बात करें तो DXY जे यहाँ पर आप देखें कि जो मैंने सपोर्ट लेवल दिखाया था, मेजर जो सपोर्ट लेवल था, वहीं से मार्केट जो है दोबारा अब वापस हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस चार्ट को गौर से देखें तो अभी जो है ये बाय का ट्रेंड दोबारा मोमेंटम जो है वो DXY ने पकड़ा है। तो अभी हम गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में हमारे पास देखें, ये हमारे पास एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके मार्केट क्लोज होती है तो आप यहाँ पर सेल ले सकते हैं। तो मार्केट जो है वो सेम ही बिहेव कर रही है। तो इस ट्रेंड लाइन को भी आप देखें, 4 आवर की कैंडल ने स्ट्रांगली यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखें, इस मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रांगली ब्रेकआउट दिया है ये वाला। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया है। तो अभी इस गोल्ड की मार्केट का जो मुझे लग रहा है, ठीक है, आपने अपना एनालिसिस भी करना है और फिर आपने ट्रेड लगानी है। पहले डेमो में आपने प्रैक्टिस करें, बार बार बताता हूँ, 0.01 की मैक्सिमम ट्रेड लगाएं और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 रेशो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस किया है, 4 आवर की कैंडल स्ट्रांगली बन रही है। आप देखते हैं इसके क्लोज होने का, आप वेट करें और अगर ये जो बेरिश कैंडल है ये स्ट्रांगली क्लोज होती है, ठीक है, तो फिर आपने जो है इसमें सेल ले सकते हैं। तो आपका फर्स्ट जो टारगेट है वो ये जो हमारे पास ये तो खैर है बहुत ही छोटा टारगेट हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आप क्या टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आप टारगेट ले सकते हैं क्योंकि ये इसका मेजर क्या है, सपोर्ट लेवल है यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये इसका मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, ये तकरीबन 1790 का ये हमारे पास टारगेट है इसका। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा सॉरी ये मैं लिखना भूल गया इसका टारगेट। ठीक है, तो ये आपका टारगेट हो सकता है, इससे आप ऊपर भी टारगेट ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अभी ये 4 आवर कैंडल का आप वेट करें, अगर ये स्ट्रांगली बेयरिश क्लोज होती है तो फिर आप यहाँ पर सेल ले सकते हैं, फिर आपका जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगा दें और या फिर आप यहाँ पर कहीं स्टॉप लॉस लगा दें और 1:2 रेशो का आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इसके अंदर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से भी आपने DXY को भी मॉनिटर करना है, DXY की भी कैंडल जो है वो अगर यहाँ से बुलिश बनती है, 4 आवर की कैंडल बुलिश बनती है और उसके बाद ये वाली कैंडल जो है वो आपको बेरिश ही मिलती है तो उसके बाद आप यहाँ पर सेल ले सकते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, ये मैं आज की ताज़ा अपडेट थी गोल्ड के हवाले से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको गोल्ड के साथ साथ यूरो USD गोल्ड GPY और ये बाकी जो मेजर करेंसी हैं उनकी भी आपको अपडेट मिलती रहे। एक ऐसी मेजर करेंसी है जिसका मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उसमें ट्रेड करने के लिए, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आप इसीलिए मैं कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखा करें क्योंकि अगर आप लेट हो जाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।